आप सबको सलाम अलैकुम। बस ये कोरोना एक नया वायरस जो आके पूरा देश में दुनिया में पूरा परेशानी में है, लेकिन इसमें ज्यादा चिंता करने का जरूरत भी नहीं है। बस आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए थोड़ी दिन सबर से, जो दिल्ली में सरकार, राज्य में जो सरकार बोलते हैं आ रहे हैं, उसको आप लोग अमल करें तो कोरोना से अपन बाहर जाते हैं। हम तेलंगाना के सरकार के तरफ से आपको भरोसा देना चाहते हैं। आप सब लोगों को एक एक आदमी को 12 किलो चावल और 500 रुपए भी दे दें। अभी भी थोड़े लोगों को कम पड़े, जिले में और भी थोड़े लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को भी दिलाना बोल के हमारा ज्वाइंट कलेक्टर साहब मुझे बता रहे। अभी तक सिद्धिपेट जिले में दूसरे राज्यों से आए सो कूली जो लेबर लोग है, 10,000 लोगों को अभी तक हम चावल दिए, पैसे भी दे चुके हैं। अभी एक 8,000 लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को भी सरकार से मंजूर दिलाए तो बाकी लोगों को भी हम दे देंगे पूरे जिले में, बोल के ज्वाइंट कलेक्टर साहब बोल रहे। जल्द से जल्द वो भी हम अपने जिले के लिए सैंक्शन करवाएंगे। मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी तो हम आप लोगों को चावल और पैसे दे रहे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता खत्म हो जाएगा कोरोना, इससे डरने का जरूरत नहीं है। होने के बाद पुराने जैसे आप काम कर सकते हैं, आपका काम आप कर सकते हैं। कोई डर के चिंता करके आपके शहर चले जाना, आपके राज्य को चला जाना, थोड़े लोग परेशानी में पैदल में जा रहे, ऐसा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप बीच में कुछ तकलीफ हो सकता है आपको, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को कुछ भी तकलीफ है, खाने के लिए तकलीफ है हमें बोल दो, चावल का तकलीफ है हमें बोलो, कोई तबीयत अच्छा नहीं है हमें बोलो, आप भी हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ के सरकार हमें देखता नहीं देखता बोल के कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप लोग भी हिंदुस्तानी है, हम सब हिंदुस्तानी है, यहाँ पर किसी का हम सब आपको देख लेते हैं। आप लोगों में किसी को के लिए कुछ खांसी आ रहा, सर्दी हुआ, कोई बुखार हुआ, जरा हमें बता दीजिए। हम कोरोना भी आए तो भी डरने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी दवा है, दवा खाना तैयार है, सिद्धिपेट में है, हैदराबाद में है, कोई एक रुपया भी आप देने का जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से हम आपका इलाज करवाएंगे, आपको अच्छा भी करवाएंगे। फिलहाल उतना डरने के बात भी नहीं है, जैसा अमेरिका में, इटली में जो परेशान है, अपने इंडिया में उतना परेशान नहीं है। अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा निर्णय लेने से, यह लॉकडाउन डालने से यह वायरस एकदम कंट्रोल में है। आगे जितना दिन जैसा सरकार बताएंगे हम सब वो फॉलो करेंगे। सो आप लोगों में किसी के लिए भी कुछ खाने का भी तकलीफ है हमें बता दीजिए, पके सो खाना भी हम आपको भिजवाते, डायरेक्ट आप खा सकते। उतना भी तकलीफ है तो हमारे लोकल आपके म्युनिसिपल चेयरमैन साहब है, काउंसलर्स है, जरा उन लोगों को फोन करके बोल दे, या तहसीलदार ऑफिस में बोल दे, या हमारे एसआई साहब को बोल दे, फॉरन हम आपके आपका जो भी तकलीफ है उसका हल करवा देंगे। कोई भी चिंता करने का नहीं रहता है, उसमें बोलने में आसानी है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपके गांव में है तो, आपके राज्य में है तो भरोसा अलग रहता, अरे ये दूसरा राज्य है, दूसरा गांव है, कैसा रहता क्या रहता बोल के कोई डर रहते हैं। भाई भी आपके जगह है तो मैं मेरे मुझे भी थोड़ा डर रहते, लेकिन
एज ए मिनिस्टर साहब, ज्वाइंट कलेक्टर साहब, म्युनिसिपल चेयरमैन, एमपी साहब, हम सब आए। क्यों आए? आप डरने का जरूरत नहीं है। तेलंगाना की सरकार आपके भरोसा दे रही, पूरी तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। किसी के लिए कोई भी तकलीफ है, मुझे हमारा को एक फोन कर दीजिए, हम आपके पूरा पूरा सेवा में हम रहेंगे। ठीक है, कोई डरने का जरूरत नहीं। आप और भी थोड़े लोग बचे होंगे आपके पास, आपके राज वाले, आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार, ऐसा कोई बच गए तो भी हमें बता दें। हमारा काउंसिल से आपको आप नाम लिखा दीजिए, वो लोगों को भी हम मदद करेंगे। कहीं पर कुछ खाना पीना भी भिजवाना है, आप लोगों को मिलना मुश्किल हो रहा, पकाना भी मुश्किल हो रहा, हमें बता दें। आते वो लाइक वेसुकोंडी, लेदंटे वो कमेंट चेयंडी, एप्पटिकप्पुडु मा वीडियोस चूडालंटे सब्सक्राइब चेसुकोंडी।